हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक डीएवी स्कूल से वैकेंसी की अपडेट लेकर के आई हूँ। और यहाँ पे 17 डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी की अपडेट आई हुई है, तो बहुत सारा स्कूल्स है, डीएवी स्कूल में ही रिक्रूटमेंट होने वाली है। बहुत सारा सैलरी यहाँ पे आप लोगों को लगभग 60,000 मिल जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। परमानेंट पोस्ट है दोस्तों, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वीडियो की एंड तक मिल जाएगी। कोई भी स्टेट से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए जल्दी इस वैकेंसीज की डिटेल्स बहुत ही शॉर्ट वे में चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी। ये सब सब्जेक्ट्स में रिक्वायरमेंट है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी में सारा सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टीजीटी पीआरटी में देख लीजिए क्या क्या सब्जेक्ट्स है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप लोग अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। नॉन टीचिंग पोस्ट में देखिए, ऑन स्किल ऑफ पे और कंसोलिडेटेड सैलरी यहाँ पे दिया गया है। लाइब्रेरियन के लिए रिक्वायरमेंट है। अदर पोस्ट ऑन कंसोलिडेटेड सैलरी मे बी रेगुलराइज्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 or 3 years, सब्जेक्ट टू वेरी गुड परफॉर्मेंस। प्री प्राइमरी टीचर लेडीज़ ओनली, काउंसलर लेडीज़ ओनली, लाइब्रेरी असिस्टेंट, एलडीसी एस्टेब्लिशमेंट, एलडीसी अकाउंट्स, एलडीसी रिसेप्शनिस्ट लेडीज़ ओनली, एलडीसी डीईओ, ये सब के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अदर पोस्ट ऑन कंसोलिडेटेड सैलरी म्यूजिक टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, डांस टीचर, योगा टीचर, स्पेशल एडुकेटर, अटल टिंकरिंग लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट, स्मार्ट क्लास फैसिलिटेटर, स्टाफ नर्स लेडीज, हॉस्टल वार्डन। अदर पोस्ट ऑन कंसोलिडेटेड सैलरी टू बी अपॉइंटेड थ्रू आउटसोर्सिंग एजेंसी, ड्राइवर एंड गार्डनर का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटीज़ दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए जनरल में क्या क्या चाहिए आप लोग इसको फॉलो करके अगर एलिजिबल रहे तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। जनरल में ये सारा आप लोगों का एलिजिबिलिटीज़ चाहिए है, सीटेट, ओटेट और OSSTET और टेट होने से आप लोग ज़रूर प्रेफरेंस आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। और बहुत सारा यहाँ पे फैसिलिटीज़ दिया गया है, एलिजिबिलिटीज़ दिया गया है। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी सब्जेक्ट टीचर्स के लिए क्या क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट इन द एडवर्टाइज्ड सब्जेक्ट्स विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड डिग्री फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोला गया है दोस्तों। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ पे बोला गया है क्या क्या चाहिए है। यहाँ पे मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और एमटेक और एमसीए होने से आप लोग अप्लाई कर सकेंगे विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बीएड डिग्री फ्रॉम आर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। गुड कमांड ओवर स्पोकन इंग्लिश एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज एसेंशियल, ठीक है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए भी यहाँ पे एलिजिबिलिटीज़ बोला गया है, आप लोग चेक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। प्राइमरी टीचर्स के लिए भी बोला गया है, यहाँ पे देख लीजिए। और अदर टीचिंग और कंट्रेक्चुअल स्टाफ्स के लिए भी यहाँ पे बोला गया है क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कंट्रेक्चुअल स्टाफ्स का भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। गुड कमांड ओवर इंग्लिश आप लोगों का होनी चाहिए, गुड कमांड ओवर स्पोकन इंग्लिश एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज एसेंशियल, ठीक है। तो ये सारा दिया गया है। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर का भी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बोला गया है। ग्रेजुएट विथ ड्राइंग एंड पेंटिंग आर्ट फाइन आर्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड मिनिमम 2 years फुल टाइम डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग और फाइन आर्ट बोला गया है। और अगर आप लोगों का मास्टर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग है तो भी चलेगा, और फाइन आर्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और भी डिग्रीज डिप्लोमा यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग देख लीजिए। डांस टीचर का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिया गया है, हर एक डिटेल, स्पेशल एडुकेटर, नॉन टीचिंग स्टाफ्स, लाइब्रेरियन, अटल टिंकरिंग लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, स्मार्ट क्लास फैसिलिटेटर, सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एलडीसी एस्टेब्लिशमेंट, एलडीसी अकाउंट्स, रिसेप्शनिस्ट लेडीज़ ओनली, डीईओ, बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल के लिए हॉस्टल वार्डन टू बी अपॉइंटेड थ्रू आउटसोर्सिंग, ड्राइवर का रिक्वायरमेंट है, गार्डनर का भी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे रिम्यूनरेशन भी दिया गया है, स्किल ऑफ पे पीजीटी में आप लोगों को यहाँ पे बोला गया है बेसिक पे ऑफ 16,690 इन पीबी
9,300 to 34,800 प्लस जीपी 4,600 रुपीस दिया जाएगा विद डीए एडमिसिबल इन कंसर्न स्कूल। तो बहुत ही अच्छी सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, सिक्स पे कमीशन के हिसाब से यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए पीजीडी डीजीडी पीआरटी लाइब्रेरियन के लिए सैलरी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, डीएबी सीएमसी स्टेट ऑफ स्केल 7 पे दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोगों को 7th पे कमीशन के हिसाब से रिक्रूट किया जाए तो आप लोगों को दिया जाएगा रेगुलर पोस्ट के लिए, रेगुलर पोस्ट रेगुलरली मतलब कि परमानेंट पोस्ट के लिए अगर आप लोगों को रिक्रूटेड किया जाए तो आप लोगों को यही 6th पे एंड 7th पे कमीशन के हिसाब से आप लोगों को सैलरी मिलेगी दोस्तों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कंसोलिडेटेड सैलरी यहाँ पे बोला गया, डिपेंड्स अपन प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स एंड अप्रूव्ड रेट्स ऑफ कंसोलिडेटेड सैलरी फॉर डिफरेंट पोस्ट डिपेंडिंग अपन फिनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द रेस्पेक्टिव स्कूल्स। आउटसोर्सिंग आउटस्टैंडिंग और डिजर्विंग कैंडिडेट्स में भी अलाउड रेगुलर स्केल ऑफ पे। तो बहुत ही अच्छे अगर आप लोगों का एकेडमिक स्कोर है एंड एक्सपीरियंस भी है तो आप लोगों को 6th पे और 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। कैंडिडेट्स अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट अंडर 2.2 ऑन कंसोलिडेटेड सैलरी मे बी अलाउड रेगुलर स्केल ऑन रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस आफ्टर 2 ईयर्स। जनरल कंडीशंस यहाँ पे दिया गया है, देखिए स्टेप 1 ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 मई 2023 शुरू हो चुका है दोस्तों। स्टेप 2 लास्ट डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 20 मई। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फी थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग 20 मई 2023 को है 5 बजे तक, ठीक है। और 5 मई से 3 PM से शुरू हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन करना, ठीक है। तो ये वैकेंसी आई कहाँ से है देख लेते हैं। ये वैकेंसी दोस्तों आई हुई है, रीजनल डायरेक्टरेट जीव इंस्टीट्यूशंस ओडिशा से, चंद्रशेखरपुर भुवनेश्वर से। तो इसी के अंडर पे 17 डिस्ट्रिक्ट से रिक्वायरमेंट है दोस्तों, देख लीजिए 17 डिस्ट्रिक्ट क्या क्या है। अंगुल, बलंगीर, बालासोर, भद्रक, कटक, ढेंकनाई, गंजम, जगत सिंहपुर, जजपुर, झारसुगुड़ा, कालाहंडी, केवंझर, खोर्डा, नयागढ़, पुरी, संबलपुर एंड सुंदरगढ़ से है ये वैकेंसी ऑन रेगुलर स्केल ऑफ पे और कंसोलिडेटेड सैलरी अडॉप्टेड इन द कंसर्न स्कूल्स। तो डिटेल इंफॉर्मेशन शीट कैरिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस अपन एज लिमिट एंड जनरल कंडीशंस आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग वेबसाइट्स। ये सारा वेबसाइट्स पे आप लोगों को सारा डिटेल्स मिलेगी एंड मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिए हैं मैंने। कैंडिडेट्स हैविंग रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशंस एंड एज क्राइटेरिया में अप्लाई फॉर डिजायर्ड पोस्ट थ्रू ऑनलाइन फ्रॉम 5 मई टू 20 मई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑन पेमेंट ऑफ ₹500 ओनली, नॉन रिफंडेबल और नॉन एडजस्टेबल और नॉन ट्रांसफरेबल थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग एंड UPI और वॉलेट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अ मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड टू इनवाइट द कैंडिडेट्स फॉर ईच पोस्ट और सब्जेक्ट फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो वेस्ट बंगाल एंड बिहार में भी दोस्तों CVT कंडक्टेड हो चुका है एंड रिक्रूटमेंट भी हो रहा है दोस्तों 29th एंड 26th मई को दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड मतलब कि CVT कंडक्टेड किया जाएगा, मतलब कि वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन के अगेंस्ट में 4-4 ऑप्शन रहेगा दोस्तों। तो आप लोगों को एक में क्लिक करना पड़ेगा, यही है CVT का नियम। और नो फर्दर करस्पॉन्डेंस विल बी मेड टू कैंडिडेट्स दोज हु विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ CVT। तो CVT के लिए दोस्तों आप लोगों को एकेडमिक स्कोर के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड आप लोगों को एडमिट सेंड किया जाएगा थ्रू ईमेल और मैसेज इनबॉक्स, ठीक है। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है दोस्तों 20 मई 2023। अगर आप लोग DAV के लिए, DAV बहुत ही अच्छी नॉन गवर्नमेंटल सबसे पहला रैंकिंग में है नॉन गवर्नमेंटल स्कूल के हिसाब से, तो यहाँ पे परमानेंट पोस्ट में 6th पे एंड 7th पे कमीशन के हिसाब से दोस्तों सैलरी दिया जाता है। एंड अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ज़रूर मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाया गया है DAV एग्ज़ाम टिप्स करके, वहाँ पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एंड पर्सनल नॉलेज मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ।
तो वो आप लोगों के लिए ज़रूर काम में आएगा। ठीक है, वहाँ पे पर्सनल मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वहाँ पे मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो ज़रूर आप लोग देखिएगा, आप लोगों को प्रिपरेशन करने में वो बहुत ही हेल्प करेगी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट ओडिशा की, हर एक डिस्ट्रिक्ट की हिसाब से यहाँ पे हर एक स्टेट्स का, सॉरी हर एक डिस्ट्रिक्ट का स्कूल मेंशन कर दिया गया है। जैसे कि देखिए, अंगूल डिस्ट्रिक्ट से कितना सारा स्कूल है, बलंगीर, बालासोर में एक एक करके स्कूल है दोस्तों। तो ये सारा डिटेल्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट भी कर सकते हो, एंड आप लोगों का नज़दीक स्कूल में आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हर सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्या क्या सैलरी है, सब्जेक्ट क्या है, ये सारा डिटेल्स मैंने अभी आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों को। और भी सारा डिटेल्स यहाँ पर है, देख लीजिए। यहाँ पे स्केल ऑफ पे मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग अगर सिलेबस जानना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ओडिशा डीएवी की सिलेबस ए टू जेड यहाँ पे डिस्कस करूँगी। ठीक है, और वैसे भी मैं प्रिपरेशंस कैसे करें, इंटरव्यू में किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन कैसे लिया जाता है, ये सारा डिटेल्स डीएवी की रिस्पेक्ट में मैं ऑलरेडी अपडेट दे चुकी हूँ आप लोगों को। डीएवी एग्जाम टिप्स करके एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ पर ज़रूर एक बार आप लोग चेक कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर बोला गया है, फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ रेफर टू द इंस्ट्रक्शंस अंडर सेक्शन और हेडिंग हाउ टू अप्लाई। तो कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे ये आप लोग देख लीजिएगा। डाउनलोड द एडमिट कार्ड्स 23rd May to 25th में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया गया है 26 and 29th में। टेंटेटिव डेट ऑफ पर्सनल इंटरव्यू ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सीवीटी मार्क्स 1 June to 7th June बोला गया है। टेंटेटिव डेट ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सीवीटी मार्क्स बोला गया 2 July to 9th July तक हो जाएगा। और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एंड कंप्यूटर स्किल टेस्ट हो जाएगा दोस्तों ऑन द डे ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पे बोला गया है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है दोस्तों। बट अदर्स डीएवी में शायद नहीं किया जाता है, हर सारा डेट्स नहीं बोला जाता है दोस्तों, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कैसे सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। ठीक है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी मेड एट 8:30 AM ऑन द डे ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज। आफ्टर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ऑल द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स shall have to appear the computer skill tests, preparation of word document question in respective subjects, sending email, preparation of spreadsheet, preparation of PPT etc. during certificate verification, if any candidate is found not satisfying the eligibility criteria, he or she shall not be allowed to appear द कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, एज लिमिट एज ऑन 1 May 2023 दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर देखिए, बोला गया अ मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड टू इनवाइट द कैंडिडेट्स फॉर ईच पोस्ट। तो दोस्तों, कंप्यूटर टेस्ट के बाद आप लोगों को आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पाया हुआ नंबर के हिसाब से विचार किया जाएगा। इन केसेस वेयर मोर देन वन एप्लीकेंट सिक्योर्स इक्वल एग्रीगेट मार्क्स एट एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन टाइप विल बी रिजॉल्व बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग मेथड्स वन आफ्टर अनदर। यहाँ पे बोला गया है, अगर आप लोगों का सीबीटी में कोई भी कैंडिडेट्स के लिए सेम मार्क्स आए, देन आप लोगों का सब्जेक्ट कंटेंट टोटल मार्क्स पार्ट 3 में देखा जाएगा ग्रेजुएशन का, करियर मार्क्स एंड डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर कैंडिडेट्स प्लेस्ड हायर। तो ओल्डर कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी यहाँ पे दोस्तों, एंड ये 3 पॉइंट्स के हिसाब से टाई रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट्स फॉर टीचिंग पोस्ट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इंटरव्यू एंड करियर मेकिंग पुट टुगेदर। ऑल द कैंडिडेट्स फॉर टीचिंग पोस्ट शैल हैव टू क्वालिफाई इन द कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड नो मार्क्स शैल बी अवार्डेड फॉर द कंप्यूटर स्किल टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बोला गया है, कैंडिडेट्स फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इंटरव्यू करियर मार्किंग एंड कंप्यूटर स्किल टेस्ट पुट टुगेदर। ओके, द डीएबी रीजनल डायरेक्टोरेट रिजर्व्स द राइट टू डिसाइड द कट ऑफ मार्क्स इन सीबीटी एंड इंटरव्यू सेपरेटली एंड द क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। ठीक है, द मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर ऑल द एवर पोस्ट विल बी एट द सोल डिस्क्रिशन ऑफ डीएवी रीजनल डायरेक्टोरेट। ठीक है, द डिसीजन ऑफ द डीएवी रीजनल डायरेक्टोरेट विद रिगार्ड टू द मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ द एवर पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ द एप्लीकेंट्स फॉर द
an interview shall be final and binding. No correspondence will be entertained in this regard. ठीक है, the online question paper will be in English only. However, the question papers in languages, that means Odia, Hindi and Sanskrit, will be in the respective language. ठीक है, the candidates will be required to report at the examination center at least 1 hour 30 minutes, that means 90 minutes before the commencement of the online examination. Candidates coming late for test will not be allowed. Time schedule may change depending upon number of applicants received for a particular post and subject. तो ये सारा details यहाँ पे दिया गया है. देखिए, candidates who will qualify in the CBT and shortlisted for interview must submit the two copies of documents duly self certified. तो आप लोगों को सारा डिटेल्स सेल्फ सर्टिफाई करना पड़ेगा, मतलब कि सेल्फ एटेस्टेड करना पड़ेगा. दोस्तों, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंशन ऑन ईच डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय मी एंड पुट देयर फुल सिग्नेचर एंड डेट ऑफ ऑन द सेम. ओनली दोज हु आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग with them the original certificates on the day of verification as communicated through email. If a candidate fails to furnish any original certificates and documents in respect of his or her qualification or experience, will not be entertained for the interview. ठीक है, cities of examination दिया गया है, अंगुल, बालासोर, बरहमपुर, भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर, ये सब cities में examination conducted हो जाएगा दोस्तों. और यहाँ पे देख लीजिए, हर सारा details बोला गया है और भी. ठीक है, अब लोग वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों. बहुत सारा यहाँ पे दिया गया है डिटेल्स. तो दोस्तों, आप लोग डीएवी ये जो जोन से निकला है ये वैकेंसी की अपडेट, तो वहाँ पे जा कर के देखिए. बहुत सारा वेबसाइट्स यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हो हर एक रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए. ठीक है, और ये पीडीएफ का लिंक मैं दे दूँगी आप लोगों को, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ये पीडीएफ को भी. ठीक है, तो एक्चुअली दोस्तों अप्लाई कैसे करना है देख लेते हैं. कैंडिडेट्स सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैव टू अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक अवेलेबल एट द वेबसाइट्स www.davcsp.org, www.davunit8.org, www.davpkt.org.in, www.davrki.org, www.davkalinga.org. ये सब वेबसाइट्स पे जा करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक अवेलेबल एट द वेबसाइट्स. ठीक है, वहाँ पे आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो दोस्तों. प्लीज़ गो केयरफुली थ्रू द इंस्ट्रक्शंस अंडर हाउ टू अप्लाई एंड ऑल्सो डिटेल इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द मेन पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. तो सारा डिटेल्स आप लोग पढ़ के अप्लाई करना. ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशंस विल बी अलाउड ऑन द स्पेसिफाइड वेबसाइट्स ओनली. ठीक है, द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस 20th मई तक हो जानी चाहिए, अप टू 5 PM. ठीक है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस विल बी अलाउड ऑन द स्पेसिफाइड वेबसाइट ओनली. ठीक है, व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड हैव द फॉलोइंग रेडिली अवेलेबल. ईमेल आईडी व्हिच मस्ट बी वैलिड और एक्टिव. आप लोग जो ईमेल आईडी देंगे वहीं से आप लोगों को फर्दर इंटीमेशन दिया जाएगा. मोबाइल नंबर भी ठीक से दीजिएगा. अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ऑफ द फुल फेस फ्रंट व्यू नॉट ओल्डर देन 3 weeks और फाइल साइज अप टू 100 KB इन JPG और JPEG फॉर्मेट आप लोगों को देनी पड़ेगी. इंश्योर that the size of the scanned image is not more than 100 KB. ठीक है, a soft copy of signature files up to 100 KB in JPG or JPEG format. Ensure that the size of the scanned image is not more than 100 KB. ठीक है, a soft copy of HSC certificate up to 100 KB in JPG और JPEG format होनी चाहिए आप लोगों का. ये सारा नोट आप लोग ज़रूर करके रखिएगा. ऐसे करके आप लोगों को फोटो खींचना एंड सेटअप करना बहुत ही सुविधा होगी. इन्श्योर दैट द साइज ऑफ द स्कैन इमेज इज नॉट मोर देन 100 KB. ये सारा कितना KB करके होनी चाहिए ये आप लोग नोट करके रख दीजिएगा. ठीक है, अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ हाइस्ट एजुकेशनल सर्टिफिकेट अप टू 100 KB इन JPG और JPEG फॉर्मेट. इन्श्योर दैट द साइज ऑफ द स्कैन इमेज इज नॉट मोर 100 KB. अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन सर्टिफिकेट भी 100 KB के अंदर ही होनी चाहिए दोस्तों. और सॉफ्ट कॉपी ऑफ टेट सर्टिफिकेट अप टू 100 KB ही होनी चाहिए. एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, ये सारा डिटेल्स दिया गया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को रोक करके. और भी सारा डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को डाउनलोड करके चेक कर सकते हो दोस्तों.
स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ये सारा डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। हर सारा डिटेल्स मैं दिखा दूँगी एंड कैसे आप लोग फॉर्म फिल करें मैं ये भी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दोस्तों। और दोस्तों आप लोग डीवी इंस्टीट्यूशन ओडिशा चंद्रशेखरपुर भुवनेश्वर में जा कर के, ये है ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पे जा कर के आप लोग हर सारा डिटेल्स पढ़ सकते हो। मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ पे जा कर के आप लोग ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।